अब बोहर के पोस्टुलेट के बाद हम लोग लेते हैं कि बोहर का मॉडल सक्सेस क्यों हो गया, कौन कौन सी चीज़ उसने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की। ठीक है, दिस इज़ सक्सेस ऑफ बोहर्स मॉडल। तो नंबर वन जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि एटम स्टेबल क्यों रहता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर क्यों नहीं जाता। तो क्या रीज़न बताया था बोहर ने उसके लिए, कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमता है उस ऑर्बिट में घूमने के लिए उसको एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती। ठीक है, ऑर्बिट, हर ऑर्बिट का अपना अपना एक एनर्जी लेवल होता है, उतनी एनर्जी लेवल जो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर मेंटेन कर लेगा, जिस इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी होगी या जो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता होगा वो उस ऑर्बिट में आ जाएगा और वहाँ घूमेगा। जब तक वो घूमता रहेगा उसको घूमने में कोई एनर्जी नहीं लगेगी, तो अगर उसकी कोई एनर्जी खर्च नहीं होती तो फिर वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट भी नहीं होगा, बाहर का फोर्स और अंदर का फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे, बाहर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल का फोर्स और अंदर लगने वाला अट्रैक्शन का फोर्स न्यूक्लियस की तरफ दोनों बैलेंस रहते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में कंटिन्यूअसली घूमता रहता है, न कभी बाहर जाता है न कभी न्यूक्लियस में गिरता है, इसलिए एटम क्या रहता है, स्टेबल। तो उन्होंने क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल बता के, क्वांटाइज्ड यानी अलग अलग एनर्जी शेल बता के, कि कम एनर्जी का शेल ये है, लोअर एनर्जी लेवल वाला ऑर्बिट, दूसरी हायर एनर्जी लेवल वाला ऑर्बिट, तीसरा उससे ज़्यादा हायर एनर्जी लेवल वाला ऑर्बिट, यानी अलग अलग एनर्जी लेवल के हिसाब से उन्होंने ऑर्बिट्स बताए कि अलग अलग एनर्जी लेवल में अलग अलग एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, इसलिए एटम स्टेबल हो गया, इस रीज़न की वजह से एटम की स्टेबिलिटी बरकरार हो गई। सो पहला रीज़न तो यही है सक्सेस होने का, कि इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी शेल, अलग अलग एनर्जी वाला एनर्जी लेवल या एनर्जी शेल या ऑर्बिट भी बोल सकते हैं इसको, आप समझ रहे हैं। ओके, ये वाला थ्योरी जो है सबसे पहले बोहर ने बताया। उसके बाद दूसरा जो मेजर प्रॉब्लम हो रहा था बाकी के एटॉमिक मॉडल में, कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, जैसे रदरफोर्ड का मॉडल। हाइड्रोजन में हम लोग जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखते हैं तो हमको बहुत सारी लाइन्स मिलती हैं, कुछ विजिबल लाइन्स मिलती हैं और कुछ नॉन विजिबल लाइन्स मिलती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और इसी तरह से पाश्चन के, ब्रैकेट के और फंड के लिए इंफ्रारेड के वेरिएशंस हमको मिलते हैं वहाँ पर, और वो आँख से दिखते नहीं हैं लेकिन लाइंस तो दिखती हैं अलग अलग। ठीक है, भले उसको किसी भी डिटेक्टर्स में हम लोग यूज़ करें। तो हाइड्रोजन का कंप्लीट स्पेक्ट्रम बाकी के पुराने मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, बोहर के मॉडल ने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन कर दिया और ये भी बता दिया कि किस सीरीज में कितनी लाइन आएगी, नंबर ऑफ लाइन, इमिशन लाइन, लाइन दिखती है ना हमको स्क्रीन में, ग्रुप ऑफ लाइन दिखती है, तो एक ग्रुप ऑफ लाइन को लाइमन बोल रहे थे, दूसरे ग्रुप ऑफ लाइन को बामर, तीसरे को पाश्चन, चौथे को ब्रैकेट, पांचवे को फंड, ये ग्रुप ऑफ लाइंस हैं अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो ये अलग अलग लाइंस क्यों बनती हैं, किस सीरीज में कितनी लाइनें इमिट करेंगी, कितनी लाइनें आएंगी, ये सारा कैलकुलेशन बोहर ने किया। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को कम्प्लीटली बोहर का मॉडल एक्सप्लेन करता है, इसलिए ये एक और सक्सेस पॉइंट हो गया उसके लिए। ठीक है, और भी अभी हम आगे डिटेल से कवर करते हैं कि अलग अलग एनर्जी का, अलग अलग ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है, या डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है, पहले ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट में, तीसरे ऑर्बिट में, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी कितनी होती है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ डिफरेंट ऑर्बिट्स, जो इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में है तो उसके पास कितनी कितनी एनर्जी होगी अलग अलग ऑर्बिट में। ठीक है, दैट इज एनर्जी ऑफ ऑर्बिट और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ भी बोल सकते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए कितनी स्पीड लगेगी, किस ऑर्बिट में कितनी स्पीड से घूमेगा, नज़दीक वाले न्यूक्लियस के नज़दीक वाले ऑर्बिट में स्पीड ज़्यादा होगी, दूर ऑर्बिट हो गया, बड़ा ऑर्बिट हो गया तो स्पीड कम हो जाएगी, और बड़ा हो गया स्पीड और कम हो जाएगी, कैसा स्पीड हो जाएगा। ठीक, फिर एक ऑर्बिट, पहला एनर्जी शेल न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर रहेगा, दैट इज रेडियस, एटॉमिक रेडियस, दूसरा ऑर्बिट कितनी दूरी पर रहेगा, रेडियस क्या रहेगा, तीसरा ऑर्बिट कितनी दूरी पर रहेगा, उसका रेडियस क्या होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर पहले ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो कितना डिस्टेंस मेंटेन करेगा न्यूक्लियस से, रेडियस, दूसरा दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो कितना डिस्टेंस मेंटेन करके घूमेगा, समझ रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन को किसी शेल से निकालना है तोड़ के, तो कितनी आयोनाइजेशन एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी आयोनाइज करने के लिए, आयन बनाने के लिए, समझ आ रही बात। और जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी शेल से किसी दूसरे शेल में जाएगा, चाहे नीचे से ऊपर जंप करके जा रहा हो या ऊपर से नीचे जंप करके आ रहा हो, तो कितनी वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो बाहर निकालेगा और कौन सी निकालेगा, हमारे पास बहुत सीरीज़ हैं, किस सीरीज़ की कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो रेडिएट करेगा एटम, और उसकी वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, ये भी कैलकुलेट करके बताया। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर कैलकुलेटेड बाय बोहर्स, इसलिए ये मॉडल बड़ा पॉपुलर हुआ
और इसके जैसा कोई मॉडल आया नहीं, ठीक है ना। थोड़ी सी कंट्रोवर्सी ज़रूर है इसमें, कुछ चीज़ें हैं जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इस वजह से फाइनली ये भी मॉडल लास्ट में जाके फेल हुआ, उसके बाद हम एक दूसरे तरह का मॉडल डिस्कस करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले तो एनर्जी शेल देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अलग अलग लाइंस को ये कैसे एक्सप्लेन करता है। यहाँ मैंने कुछ एनर्जी लेवल्स बना के आपको दिखाया है, मैंने सिर्फ यहाँ 8 एनर्जी लेवल बनाया है, 8 ऑर्बिट, एक ऑर्बिट एक एनर्जी लेवल को दिखाता है, और भी होते हैं इसके अलावा भी। तो ये पहली ऑर्बिट, पहला एनर्जी लेवल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, ठीक है। सपोज एक इलेक्ट्रॉन आठवें ऑर्बिट में है, आठवें शेल में है, वहां से पहले ऑर्बिट में आएगा, पहले एनर्जी लेवल में आएगा, तो एनर्जी रेडिएट करेगा, यहाँ रहा होगा, यहाँ से एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहाँ पहुँच गया होगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ 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 जंप करके एक्स्ट्रा एनर्जी से यहाँ पहुँच गया। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि या तो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रहेगा या इस ऑर्बिट में रहेगा। इसको मैं ऑर्बिट की तरह नहीं दिखा रहा, एनर्जी लेवल की तरह सीधे सीधे दिखा रहा हूँ, ऐसे इमेजिनेशन हो जा रहा है कि नहीं, बोलिए। तो या तो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी वाले लेवल में रहेगा या इस एनर्जी वाले लेवल में रहेगा या इसमें रहेगा, इन दोनों की बीच का कोई एनर्जी नहीं होता, याद रखिए, समझ रहे हैं। अगर यहाँ 1000 एनर्जी लगती है पहले ऑर्बिट में रहने के लिए, दूसरे में 2000 लगती है, तो 1500 वाली एनर्जी का कोई इलेक्ट्रॉन आया तो वो यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर सकता बीच में, वहाँ अलाउ ही नहीं उसको रहना, एनर्जी लेवल ही एग्जिस्ट नहीं करता या इलेक्ट्रॉन वहाँ रह ही नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ मिलेगा, जहाँ एनर्जी लेवल होगा, जहाँ ऑर्बिट होगा, ठीक है। तो इसके अलावा और कोई बीच में और कोई एनर्जी लेवल नहीं होता, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, तो इलेक्ट्रॉन को मजबूरी है या तो यहीं मिलेगा या तो यहाँ मिलेगा या तीसरे में या चौथे में या पांचवें में, बीच में कहीं नहीं रह सकता, ठीक है जी। ये समझ में आई बात, ओके। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन था पहले ऑर्बिट का, पहले एनर्जी लेवल का, वो हीट लेके एक्स्ट्रा एनर्जी लेके इधर चला गया, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड होके दूसरे लेवल में, तीसरे लेवल में करते करते आठवें लेवल में पहुंच गया, तो उसने बहुत एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी। जब ये आठवें लेवल से पहले लेवल में आएगा तो एक रेडिएशन बाहर निकालेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, वो जो एनर्जी रिलीज होगी वो कौन सी एनर्जी होगी, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनेगा, तो आंसर है लाइमन ने उसको बताया कि वो कौन सा होगा, अल्ट्रावायलेट। अब अल्ट्रावायलेट हमको तो नहीं दिखता, किसी डिटेक्टर से हम उसको डिटेक्ट करेंगे, ओके। कहाँ से आया है, यहाँ से, आठवें एनर्जी लेवल से पहले एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप करके आया है, तो इससे जो अल्ट्रावायलेट निकलेगा उसकी वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, याद रखिएगा। और जो सातवें एनर्जी लेवल से लौट के यहाँ आया होगा, आठवें तक नहीं गया, सातवें तक गया था एब्जॉर्ब करके, सेवन्थ से जो पहले तक आएगा वो भी यूवी होगा, अल्ट्रावायलेट वेव्स ही होगा, लेकिन उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अलग। ये वाली फ्रीक्वेंसी से ये वाली फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, अलग, दोनों की वेवलेंथ अलग अलग, लेकिन दोनों कौन सी लाइट होंगी, अल्ट्रावायलेट, समझ रहे हैं। जो छठवें नंबर से पहले नंबर पर आएगा वो भी अल्ट्रावायलेट होगा, लेकिन इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इन दोनों से अलग होगी, और जो पांचवें से यहाँ आएगा इसकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी भी अलग होगी, लेकिन ये भी यूवी होगा। जो चौथे से आएगा वो भी यूवी होगा, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी अलग, बात समझ रहे हैं। यानी अलग अलग एनर्जी लेवल से अगर कोई फर्स्ट स्टेट में आ रहा है, ग्राउंड स्टेट में, इसको ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं ना, पहले वाले को, क्या, ग्राउंड स्टेट। तो अलग अलग एनर्जी लेवल से जो भी अपने ग्राउंड स्टेट में लौट के आता है, उससे निकलने वाली एनर्जी जो वो इमिट करता है बाहर, उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हमेशा कैसी होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। लेकिन ये पूरी सीरीज, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल से पहले एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो ये फर्स्ट एनर्जी लेवल में आने की वजह से ये कौन सी लाइट बनती है, अल्ट्रावायलेट बनती है, भले हर एक की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग होगी, ठीक है। तो इस सीरीज को क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज, क्योंकि लाइमन ने इसको डिस्कवर किया था, लाइमन साइंटिस्ट का नाम है। और इस यहाँ पर मैंने इसका वेवलेंथ भी लिख दिया है, 920 से लेके 1200 एंगस्ट्रॉम तक, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10^-10 मीटर, ठीक है, ये वेवलेंथ हो गई। और हम वो सी अपॉन लेमडा करके न्यू भी निकाल सकते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी में चेंज कर सकते हैं, ओके, वो आप कर सकते हैं, ओके। बामर के लिए देखिए कहाँ पे लौट के आना है, विजिबल लाइट के लिए, सेकंड एनर्जी शेल में, फर्स्ट में नहीं आना चाहिए। अगर ये फर्स्ट में आ गया तो यूवी बन जाएगा, अल्ट्रावायलेट रेस, समझ रहे हैं ना। तो किसी भी एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है जंप करके, सेकंड एनर्जी लेवल में, तो वो जो एनर्जी बाहर निकालेगा वो विजिबल लाइट होगी, समझ रहे, किस फॉर्म में निकालेगा वो, लाइट के फॉर्म में, और वो हमको दिखती है। तो अगर वो सेकंड शेल में जंप करके आया, किसी भी ऑर्बिट से सेकंड शेल में आ गया, तो वो कौन सी लाइट निकालेगा, विजिबल लाइट,
जो भी एनर्जी वो रेडिएट करेगा वो कौन सी होगी, विजिबल लाइट होगी, अलग अलग कलर में हमको दिखेगी। अब हर एक की फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग होगी, तो ये हमको अलग अलग कलर में दिखेगा, कोई ब्लू दिखेगा, कोई रेड दिखेगा, कोई कुछ दिखेगा, कोई कुछ दिखेगा। आया समझ या नहीं आया बोलिए, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई तीसरे शेल में लौट के आता है, किसी भी एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल में लौट के आया इलेक्ट्रॉन, वो जो एनर्जी रेडिएट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर निकालेगा, वो कौन सी होगी, इंफ्रारेड। समझ रहे हैं कौन सी होगी। तो ये पर्टिकुलर एक रेंज उन्होंने बनाया, पाश्चन ने डिस्कवर किया इसको, कि किसी भी एनर्जी लेवल से अगर कोई थर्ड एनर्जी लेवल तक आता है, जितनी भी आता है किसी भी एनर्जी लेवल से, दिख रहा है ना, आठवें से आया, सातवें से आया, छठवें से आया, पांचवें से आया, चौथे से आया, थर्ड में आया, तो ये इंफ्रारेड है। हर एक की वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी अलग अलग होगी। और अगर कोई फोर्थ में लौट लौट के आया, तो किसी भी एनर्जी लेवल से फोर्थ में आया, वो भी इंफ्रारेड का ही एक वेरिएंट है, और उसको ब्रैकेट ने डिस्कवर किया था। और उनकी वेवलेंथ यहाँ पे सबकी मैंने लिख दी है, 19,450 से लेके 40,500 एंगस्ट्रॉम तक। इसी तरह से पाँचवें शेल में अगर कोई लौट लौट के आता है किसी भी एनर्जी शेल से, तो वो भी इंफ्रारेड का ही एक वेरिएंट होता है, और उसको डिस्कवर किसने किया था, फंड ने। और उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 37,800 से लेके 75,000 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है, ये समझ आया। और जितनी भी लाइन्स होंगी वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी अलग अलग वेवलेंथ की होंगी। बोलिए, यहाँ तक पिक्चर समझ में आया। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 7 लाइनें होंगी, यहाँ पे 6 लाइनें होंगी, यहाँ पे 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह की लाइनें होंगी, ऐसा नहीं है। ये तो मैंने ना 8 एनर्जी लेवल बनाया है, 9 बनाया होता तो एक लाइन एक्स्ट्रा दिखती है आपको, 10 बनाया होता तो 2 लाइन एक्स्ट्रा दिखती। तो किस में कितनी लाइन बनती है, नंबर ऑफ इमिशन लाइन कितनी होंगी, किस एनर्जी के लेवल से इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी के लेवल तक आता है, तो कितनी लाइनें इमिट होती हैं, इसका कैलकुलेशन भी बोहर ने करके बताया है, और इसका एक न्यूमेरिकल भी आपके बैक एक्सरसाइज में दिया हुआ है, ठीक है, वो भी आप बनाएंगे। तो ये नोट कीजिए मेरे साथ पहले, ओके। चलिए पहले लिख ही लेते हैं उसको, नंबर ऑफ इमिशन लाइंस, ठीक है। इमिशन लाइन के लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया हमको, देखिए, नंबर ऑफ इमिशन लाइन, कितनी लाइन इमिट होंगी, ठीक, इधर देखो जी, कितनी लाइन इमिट होंगी, आंसर है n2 minus n1 plus 1 divided by 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ लाइन्स, कि किस लेवल से किस लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहा है, तो उसमें से कितनी लाइनें बनेंगी, कितनी सीरीज हमको दिखेगी लाइन की, कैथो लाइन होगी आपके स्पेक्ट्रम के अंदर, ठीक है, समझ आया। एक ये फॉर्मूला है, एक दूसरे तरीके से भी लोग इसको बनाते हैं, मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रॉन पांचवें एनर्जी शेल से पहले एनर्जी शेल में आया है, कहाँ से कहाँ, हाँ पांचवें से दूसरे में मान लो, चलो ये पांचवें एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में आया है, दूसरा यानी ये कौन सी लाइट होगी, अगर दूसरे में आ रहा है जंप करके तो विजिबल लाइट होगी। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन पांचवें से सेकंड में आता है, पांचवें से सेकंड में आता है, तो कितनी लाइनें हमको दिखेंगी, समझ रहे हैं, फिफ्थ एनर्जी लेवल से लेके सेकंड एनर्जी लेवल तक इलेक्ट्रॉन को आना है, तो कितनी इमिटेड लाइन हमको स्पेक्ट्रम में दिखेंगी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। तो देखिए इसमें रखिए जरा, चेक कीजिए, दिस इज 5 minus 2 multiply 5 minus 2 plus 1 divided by 2, कैलकुलेट करो, 5 minus 2 कितना, 3, 5 minus 2 3 plus 1 4 divided by 2, 2 टाइम ये गया कितना बना, 6, 6 लाइनें आएंगी। वो डायग्राम देख के कन्फ्यूज नहीं हो भैया ना, वो ऊपर नीचे कम ज़्यादा हो सकती हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ लाइन ऐसे निकलेंगी, भले हम वहाँ बनाए हों या ना बनाए, वो तो दिखाने के लिए डायग्राम है ना। एक्चुअल लाइन कितनी निकलेंगी, हाँ 6 लाइनें आपको दिखेंगी, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। अब वो कैसे 6 लाइन बन जाएंगी, एक आपका आ जाएगा 5 से 2 में, एक आ जाएगा 4 से 2 में, एक आ जाएगा, अच्छा ये इस तरीके से बनती हैं, 5 से 2 में आया 1, 4 से 2 में आया 2, 3 से आया ये 3 हो गया, 5 से 4 में भी एक आ जाएगा 4, 5 से 3 में भी एक आ जाएगा, ठीक है, 5 से 2 में भी एक आ जाएगा, ऐसे भी होगा ना,
कितने पेयर बनेंगे जी? देखिए छह लाइनें बननी है, वो छह लाइनें कैसे बनेंगी? एक तो पांच से किस में आया? दो में, ठीक ठीक। दूसरा चार से दो में आ जाएगा, तीन से दो में आ जाएगा, तीन लाइन तो यही हो गई है ना। अब ये पांच से तीन में भी आ सकता है, पांच से चार में भी आ सकता है ना, ये हो गया। और ये चार से तीन में भी आ सकता है, चार से चार तो जाएगा नहीं, समझ में आ रहा है? कितनी हो गई गिनो, एक दो तीन चार पाँच छः, और कोई बना के देखो, सभी तो बन गई, दिख रहा है? समझ आया नहीं आया? ये बोलिए बोलिए, इसको देखिए, नहीं आया? वो ऐसे बना के दिखाऊंगा तो शायद आ जाए। ये पांचवा, ये चौथा, ये तीसरा, ये दूसरा, देखो पांच से कहाँ आया? दूसरे में आया, पांच से तीसरे में भी आ सकता है, पांच से चौथे में भी आ सकता है, तीन लाइन यही हो गई है ना। अब ये हो गई, अब ये यहाँ पर आया तो ये भी तो आगे ट्रांजिशन कर सकता है चौथे से, तो चौथे वाले को देखो, चौथे से दूसरे में आ सकता है, चौथे से तीसरे में आ सकता है। अब जो पांच से चार में आया था वो चार से तीन भी तो जाएगा, ये वाला देखो ना, पांच से ये चार में आया था, ये देखो चार, ये तीन बना ना, पांच से दो में आया, पांच से तीन में आया, पांच से चार में आया, तो ये चार वाला अब आगे कहाँ जा सकता है? चार से दो में, चार से तीन में गया, जो चार से तीन गया है ये तीन वाला कहाँ जा सकता है? यहाँ तीन से दो में, समझ रहे हैं? इस तरीके से यहाँ देखो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, छह लाइनें बनी, तो छह लाइन ऐसे समझो, ऐसे समझो या ऐसे समझो, ठीक है, आ रहा समझ? एक दूसरा एग्जांपल देखो, मान लीजिए छठवें एनर्जी लेवल से पहले एनर्जी लेवल में आता है, छठवें एनर्जी लेवल से पहले एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन आता है, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनेगा? अल्ट्रावायलेट, ठीक है। कितनी लाइनें दिखेंगी बताइए, कैलकुलेट कीजिए इस फॉर्मूले से। ये क्वेश्चन आपके दिया है बैक एक्सरसाइज में, छठवें से पहले में आएगा, यही क्वेश्चन है सेम टू सेम, तो इसको यहाँ पर बना के देखो, बताओ कितना आएगा? सिक्स माइनस वन मल्टीप्लाई सिक्स माइनस वन प्लस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाय टू करिए, ये कितना हो गया? फाइव मल्टीप्लाई वन, वन तो कैंसिल हो गया, सिक्स बचा, डिवाइडेड बाय टू थ्री, पाँच थी आई पंद्रह, पंद्रह लाइनें आएंगी, कितनी लाइनें? पंद्रह लाइनें बनेंगी अगर छठवें एनर्जी लेवल से पहले एनर्जी लेवल में आया। अब वो कैसे कैसे बनेंगी वो आप चाहे तो इस डायग्राम से बना लो, चाहे ऐसे बना लो, उसको बना सकते हो, आप बना सकते हो कि नहीं बोलिए। एक दूसरा तरीका होता है इसको निकालने का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि कहीं देखो तो कन्फ्यूज ना हो कि ये कैसा तरीका है, ठीक है। इसको निकालने का दूसरा फॉर्मूला है एक नंबर ऑफ इमिशन लाइन का, वो ये है कि दिस इज समिशन ऑफ एन टू माइनस एन वन, एन वन, ये एन टू माइनस एन वन का सबमिशन, यानी जो भी नंबर एन टू माइनस एन वन करने से बनेगा उसको जोड़ दो लास्ट तक। तो ये कौन से एनर्जी लेवल से आ रहा है जी बताइए? सिक्स में से वन में आ रहा है, तो इसको हमको सम करना है, तो सम ऑफ क्या बना? सिक्स माइनस वन फाइव, फाइव का मतलब ये है, यहाँ पे देखो समिशन ऑफ फाइव का मतलब ये है कि फाइव से छोटे जितने नंबर हैं सबको ऐड कर दीजिए, जोड़ो कितना होता है? पंद्रह आया, इसमें भी पंद्रह आता है, इस फॉर्मूले में भी पंद्रह आता है, तो जो फॉर्मूला आपको अच्छा लगता है उसको यूज कर लीजिए, समझे कि नहीं समझे? अब पंद्रह लाइनें कौन कौन सी बनेंगी देखिए, सिक्स से आ रहा है ना, सिक्स से, तो एक कहाँ आ जाएगा? छः से पाँच, छः से चार, छः से तीन, छः से दो और छः से एक, यहाँ तक आना है। अब जो छः से पाँच गया है वो पाँच वाला भी अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा, पाँच से चार, पाँच से तीन, पाँच से दो, पाँच से एक। अब जो पाँच से चार गया है वो चार वाला भी स्टार्ट करेगा, चार से तीन, चार से दो, चार से एक। जो चार से तीन गया है वो तीन वाला भी स्टार्ट करेगा, तीन से दो, तीन से एक। तीन से दो जो गया है वो दो वाला भी स्टार्ट करेगा, दो से एक। काउंट करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, हो गया पंद्रह लाइन।
इस तरीके से 15 लाइन आपको इमेजिन करना है। तो ये फॉर्मूला अप्रोप्रिएट है, ठीक ठाक है, वो भी ठीक ठाक है, जो आपको अच्छा लगे उससे आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ लाइंस निकालने का है, यहाँ तक समझ गए। अच्छा, ये जो लाइन बनती हैं, अलग अलग लाइन की वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी कैसे निकलेगी, तो वो इस फॉर्मूले से निकलेगी। हमको पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी लेवल से किसी एनर्जी लेवल में जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये वन वाला था, सेकंड में गया, सेकंड से अगर वन में आया, सेकंड एनर्जी लेवल से पहले एनर्जी लेवल में आया, तो वो जो लाइट बाहर निकालेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसकी वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी कितनी होगी। तो आंसर है जितनी एनर्जी लेके ये यहाँ से यहाँ गया होगा, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा, जब लौट के आएगा तो उतना ही ना बाहर निकालेगा। कितना, यहाँ पर उसके पास कुछ एनर्जी है E1, यहाँ पर उसके पास कुछ एनर्जी होगी E2, वो तो रहने के लिए चाहिए ही, एक्स्ट्रा कितना आया, जितना उसने एब्जॉर्ब किया और यहाँ पहुँच गया। तो जब वो यहाँ से यहाँ आएगा तो उतना ही बाहर निकालेगा, कितना, दोनों एनर्जी का चेंज, दोनों में जो डिफरेंस आएगा, E2 माइनस E1 करोगे वो एनर्जी आ जाएगी जो वो बाहर निकालेगा। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू। तो यहाँ पे हमने पुट किया एनर्जी की जगह एच न्यू, दिस इज चेंज इन द एनर्जी लेवल, जो एनर्जी लेवल में चेंज आता है उतनी एनर्जी तो बाहर निकलती है। अब इस एच को नीचे भेज दीजिए, प्लैंक कॉन्स्टेंट है, न्यू आ गया फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो गया, E2 माइनस E1 अपॉन एच। तो जो एनर्जी का चेंज आया, एनर्जी का चेंज, उसको आप प्लैंक कॉन्स्टेंट से डिवाइड कर दीजिए, निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या बन गया वो फ्रिक्वेंसी, वो कितनी फ्रिक्वेंसी की होगी, आ जाएगी यहाँ से। अब इस फ्रिक्वेंसी को आप लैम्डा में चेंज कर सकते हो, फ्रिक्वेंसी को क्या लिख सकते हो, सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। इस सी को नीचे भेज दीजिए तो ये क्या हो गया, वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन अपॉन सी एच। अब ई वन अपॉन लैम्डा है, पलट दीजिए, लैम्डा बन गया तो ये भी ऐसे पलट गया, सी एच ऊपर आ गया, ई टू माइनस ई वन नीचे आ गया, आया समझ में। तो यहाँ से आपको वेवलेंथ भी मिल जाएगा, ये सारे फॉर्मूले आगे यूज होंगे एक्सरसाइज में, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया, दूसरी एनर्जी लेवल से पहली एनर्जी लेवल में आएगा तो इतना वेवलेंथ होगा, समझ गए। अब अगर वो तीसरी एनर्जी लेवल से पहली एनर्जी लेवल में आएगा तो यहाँ थर्ड एनर्जी लेवल की एनर्जी लिखोगे, फर्स्ट की एनर्जी लेवल की एनर्जी लिखोगे, और बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। तो जो इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल से पहले शेल में आएगा उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, यहाँ से निकाल लेंगे। जो इलेक्ट्रॉन चौथे शेल से पहले शेल में आएगा, सिर्फ यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस बस तो है चेंज करना है, चौथे से पहले में, जो पांचवें से पहले में आएगा यहाँ क्या लिख दोगे, E5 से E1, E5 माइनस E1, एनर्जी का चेंज, बाकी फार्मूला एज इट इज रहेगा। तो इस फार्मूले से हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। आया समझ में यहाँ तक या नहीं आया, बोलिए, ठीक है। हाँ, इसके बाद दूसरे कैलकुलेशंस लेते हैं, यहाँ तक नोट कर लें। हाँ, अगला कैलकुलेशन बोहर ने किया, किसी भी ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा। बेसिकली ये किसके लिए हम डिराइव कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। रेडियस, रेडियस ऑफ एन एटम, या हाँ ठीक है, रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ समझो इसको, दिस इज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर ये पहला ऑर्बिट है, पहला एनर्जी लेवल, ये पहला एनर्जी शेल, जो बोलना है वो बोलिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस मेंटेन करके चलता है, वही डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस। ये रेडियस हमको निकालना है। अब मैं इसको कैसे निकालता हूँ, या बोहर ने इसको कैसे निकाला, इसको थोड़ा सा समझो। मैं न्यूक्लियस को इस पॉइंट से दिखा रहा हूँ ना, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने पॉजिटिव चार्ज होगा। एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, कितना, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी यही रहता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, यही होता है ना। और उस चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से, एलिमेंट्री चार्ज। इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ई, प्रोटॉन है तो प्लस ई, दोनों का चार्ज तो सेम रहता है ना भैया, मास थोड़ा बहुत ज़्यादा कम रहता है, मास में बहुत अंतर रहता है, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, -31 kg का ऑर्डर रहता है, और प्रोटॉन का -27 kg, याद है कि भूल भाल गए, याद तो नहीं लग रहा है। अच्छा, न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूक्लियस में ही रहते हैं ना प्रोटॉन। मैं दूसरा एटम ले आऊँगा तो उसके अंदर अलग अलग प्रोटॉन रहेंगे, अलग अलग प्रोटॉन की वजह से ही तो एटम का नाम अलग अलग होता है, ये भी याद है कि भूल गए, याद है पक्का, ओके। एक प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 1। दो प्रोटॉन है एटॉमिक नंबर 2। तीन प्रोटॉन है एटॉमिक नंबर 3, उसका नाम अलग, नंबर ऑफ प्रोटॉन की वजह से ही हम एटम का नाम अलग अलग रखते हैं और उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। इसीलिए जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में। तो सपोज करो एक न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है तो उसका चार्ज क्या होगा, एक प्रोटॉन होता तो चार्ज क्या होता, ई। दो प्रोटॉन होता तो चार्ज क्या होता, 2 × ई। तीन प्रोटॉन होता तो
थ्री इंटू ई, जेड प्रोटॉन होता तो जेड इंटू ई, व्हाट इज जेड, एटॉमिक नंबर, ये पहले कर चुके हैं सारी चीजें। तो सपोज यहां पे कितने चार्ज हो गए, जेड इंटू ई, जेड प्रोटॉन मतलब जेड चार्ज, जेड इंटू ई चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ठीक है। सो ये भी चार्ज, ये भी चार्ज, दोनों के बीच फोर्स लगता है अट्रैक्शन का, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, वो अट्रैक्शन का फोर्स आप लोग क्लास 12 पहले चैप्टर फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है। कूलम का फोर्स होता है एंड दिस फोर्स इज ए कूलम कांस्टेंट, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, ये कौन सा फोर्स है, कूलम फोर्स, दो दो चार्ज के बीच में लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कांस्टेंट से अभी हमको कोई मतलब नहीं है, ये दो चार्ज कौन से हैं, एक चार्ज ये है एक चार्ज ये है, तो एक चार्ज क्या बना ZE, दूसरा चार्ज क्या बना इलेक्ट्रॉन का E, दोनों का चार्ज सेम रहता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, दिस इज द चार्ज एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू रेडियस, सो रेडियस का स्क्वायर, ये कौन सा फोर्स बन गया, अट्रैक्शन फोर्स, आया समझ। तो न्यूक्लियस इसको इतना फोर्स लगा के खींचता है, ये कूलम कांस्टेंट अभी हम इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि आप इसको भी नहीं पहचानते, ये समझ आया मोटा मोटा हिसाब, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो इसको आ जाना चाहिए, यहाँ गिर जाना चाहिए, क्यों नहीं गिरता, क्योंकि इसको बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, कोई भी चीज़ जब ऐसे गोल गोल घूमती है तो बाहर की तरफ धक्का नहीं लगता, आप लोग ये अपनी मोटरसाइकिल ऐसे मोड़ते हैं टर्निंग में तो लगता है कि हमारी गाड़ी बाहर फेंका जाएगी, एक बाहर की तरफ धक्का लगता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या बोलते हैं बोलिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, ये बाहर लगने वाला फोर्स है। अगर बाहर लगने वाला फोर्स अंदर ये वाले फोर्स को बैलेंस कर ले, अंदर का फोर्स और बाहर का फोर्स बराबर हो जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा कि अंदर जाएगा, वहीं रहेगा और ऐसे घूमता रहेगा, क्योंकि हर समय बाहर और अंदर का फोर्स क्या है, बराबर है, और हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, ना वो नीचे जाता है ना वो ऊपर जाता है, मतलब बाहर वाला और अंदर वाला फोर्स क्या हो जाते हैं, बैलेंस। बाहर का जो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो होता है mv² / r, क्या होता है ये, हाँ ये फिजिक्स में हम करेंगे सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल, तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ अभी इसका कोई डेरिवेशन नहीं है इसलिए इस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। व्हाट इज m, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज v, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जिससे ये घूम रहा है, व्हाट इज r, रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन या रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, समझ रहे हैं ना। तो ये mv² / r क्या बनाता है, इसका बाहर फेंकाने वाला फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये फोर्स किसके बराबर हो जाता है, अंदर लगने वाली इस फोर्स के बराबर, समझ आया कि नहीं आया, लिखिए एक लाइन, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, एक लाइन नोट कीजिए, व्हेन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, जल्दी जल्दी लिखिएगा, व्हेन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, लिख लिए, देन टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन इट, नंबर वन अट्रैक्शन फोर्स, इतना लिखो, ठीक, और इसको अगले स्टेप में क्या लिख लोगे, Ze² / r², e into e² हो गया, है ना, दिस इज अट्रैक्शन फोर्स, हो गया। इसमें Z क्या है लिख लेना सब, Z क्या चीज़ है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, E क्या चीज़ है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दोनों का चार्ज बराबर होता है, R क्या चीज़ है, एटॉमिक रेडियस, लिख लोगे, बोलो, लिख लोगे, हो गया, नहीं लिख पाए, जल्दी से, जल्दी जल्दी कलम चलाओ, हो गया, ये लिखे, अट्रैक्शन फोर्स इज इक्वल टू दिस, नंबर 2 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू दिस mv² / r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू mv² / r, और इसमें लिख लेना m क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r इज रेडियस ऑफ एटम, ठीक है, m ये लिखा तो है mv² / r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू mv² / r, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये रेडियस ऑफ एटम है,
या रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, ठीक है। हाँ, उसके बाद अकॉर्डिंग टू बोहर, बोहर्स दोनों फोर्सेस क्या होंगे, बराबर। अट्रैक्शन फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तभी तो इलेक्ट्रॉन गिरता नहीं नीचे न ऊपर जाता है। तो अट्रैक्शन फोर्स कितना बनाया हमने, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एंड दिस शुड बी इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, होगा ये अकॉर्डिंग टू बोहर। ओके, यहां से एक आर कैंसल हो गया, तो ये क्या बचा, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, दो आर थे नीचे, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर वन, हो गया, समझ आया यहां तक या नहीं आया बताइए, आया? हाँ, यहां से मेरे को r की वैल्यू चाहिए, लेकिन ये क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। ये वेलोसिटी हम दूसरी जगह से लेके आते हैं। बोहर ने एक इक्वेशन और बताया था, अकॉर्डिंग टू बोहर्स इक्वेशन, बोहर ने ये बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमेगा वहां की एक शर्त होती है, वो उसको फुलफिल करना है। कौन सा शर्त, कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होना चाहिए, एन एच अपॉन टू पाई के बराबर, यही होना चाहिए ना। सो एंगुलर मोमेंटम एम वी आर किसके बराबर होना चाहिए, एन एच अपॉन टू पाई के बराबर। यहां से मैं वी की वैल्यू निकाल रहा हूं, देखो वी की वैल्यू, इसको सेकंड इक्वेशन दो, वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन एच अपॉन टू पाई, एम और आर यहां नीचे आ जाएगा, एम और आर, आया ये वी की वैल्यू वेलोसिटी, इसको उठा के यहां पुट कर दीजिए वी की जगह, तो हम रेडियस निकाल लेंगे, समझ रहे हो, टारगेट रेडियस है ना। हाँ, पुट दिस इन इक्वेशन नंबर, कौन से इक्वेशन में रखोगे, किस में रखना है जी, फर्स्ट में रखना है, इसको थर्ड दे दो, पुट इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन नंबर वन, रखिए यहां पर, देखिए जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू मास है और वेलोसिटी का स्क्वायर करना है, ये वेलोसिटी का स्क्वायर है, ये बना वेलोसिटी, इस वेलोसिटी का क्या करना है, स्क्वायर, हर एक का स्क्वायर कर रहा हूं डायरेक्ट मैं, एन का स्क्वायर क्या होगा, एन स्क्वायर, एच का स्क्वायर एच स्क्वायर, डिवाइडेड बाय टू का स्क्वायर फोर, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, एम का स्क्वायर एम स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, ये हो गया, समझे जी, नहीं समझ आया, ध्यान कहीं और है, तो ये है वेलोसिटी, यहां रख रहा हूं मैं इसमें वेलोसिटी की जगह, ये वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो इस पूरे का स्क्वायर करेंगे आप यहां रखने के लिए, तो जेड ई स्क्वायर अपॉन आर पहले लिख लिए, इक्वल टू एम लिख लिए, एम के बाद वी का स्क्वायर लिखना है, तो वी रहा ये, तो इस पूरे का स्क्वायर करते जाओ, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर हो गया, पाई स्क्वायर हो गया, एम स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर हो गया, सबका स्क्वायर करके लिख दिए, वी स्क्वायर है ना ये, देखो ना ये, ठीक है। अब कुछ कैंसिल होता है, कैंसिल कराइए, देखिए एक एम ऊपर है एक एम नीचे से कैंसिल हो गया, नीचे एक एम बचा, और देखो और क्या क्या जा रहा है क्या क्या आ रहा है, इधर एक आर है, देखो ये आर और यहां से एक आर कैंसिल हो जाएगा, नीचे का एक आर, तो इधर नीचे में एक आर बचा है, दिस इज रेडियस, यही निकालना है अपने को, और कोई चीज कैंसिल हो रही है क्या, बस। तो ऐसा करो, इस आर को इधर ट्रांसफर मारो, जेड ई स्क्वायर को नीचे भेज दो, समझ गए। तो अब हम इसको उधर से लिख रहे हैं, उधर मिटा दूं मैं, हो गया ये, देखिए यहां से हमने इस आर को इधर ट्रांसफर मारा, जेड ई स्क्वायर को नीचे भेज दिया, तो कौन कौन सी क्वांटिटी बची, ऊपर एन स्क्वायर एच स्क्वायर बचा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, नीचे फोर पाई स्क्वायर एक एम बचा है, फोर पाई स्क्वायर एम, ये वाला ई स्क्वायर आ गया नीचे, ई स्क्वायर दिख रहा है, और ये जेड भी आ गया नीचे, नीचे भी जेड दिख रहा है, हो गई सारी चीजें, ये हमारा रेडियस का फॉर्मूला बन गया, दिस इज फॉर्मूला फॉर रेडियस, दिस इज इक्वेशन नंबर फोर, ठीक है, क्या बन गया, ये रेडियस का फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला याद रखना है जी, न्यूमेरिकल में ये यूज होने वाला है आगे, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले इसमें अभी बनने वाले हैं,
यहां तक हो गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर जेड। अब इसमें पहचानिए कौन कौन क्या क्या है। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, तो यहां तो हम 1 2 3 4 रखते जाएंगे खाली। एच क्या है? एच बोलो ना, एच क्या है? नहीं पहचान रहे, बोलो। एच को हम पहचानते ही नहीं, बोल दो। प्लैंक कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू आप जानते हैं 6.626 10^-34 जूल पर सेकंड, ठीक है? ओके, 4 पाई नंबर है, कांस्टेंट है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, 9.1 × 10^-31 kg कांस्टेंट होता है हमेशा के लिए। ये दिस इज चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, कांस्टेंट होता है ये भी। 1.6 × 10^-19 कूलम, ये भी कांस्टेंट होता है ना, होता है कि नहीं? H कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, M कांस्टेंट, E कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट है। तो बचे क्या? N और Z बस। तो मैं क्या करता हूँ, जितना इसमें कांस्टेंट है ये वाला पोर्शन, ये इस कांस्टेंट को मैं अलग से कुछ और लिख देता हूँ। इस कांस्टेंट के लिए मैंने लिख दिया A नॉट, ये ऊपर नीचे कहीं भी लगा दो अपनी पहचान के लिए। तो मैंने इस कांस्टेंट को क्या लिख दिया? A नॉट। हम सब की वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लेंगे, कुछ आ जाएगा। और सिर्फ क्या बचा? एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये हमारा मेन फार्मूला बन गया रेडियस का। दिस इज द कांस्टेंट। और यहाँ कांस्टेंट मैं किसको बोल रहा हूँ? ए नॉट इज इक्वल टू व्हाट? एच स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर, दिस इज द कांस्टेंट। इधर ध्यान दो भैया, नहीं फिर कहोगे ये कैसे आ गया, उसको बाद में लिखो। इधर देखो, ये समझ आया किसको कांस्टेंट बोल रहा हूँ मैं? दिख रहा है ना, ये सारे कांस्टेंट हैं। तो इस कांस्टेंट को मैंने ए नॉट बोल दिया, बचा एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, अलग से लिख दिए। अब ये कांस्टेंट क्या है? ये यहाँ पर हम एच की वैल्यू जानते हैं, रख देंगे, 4 नंबर ही है। पाई की वैल्यू हम जानते हैं 3.14, ये 22/7 स्क्वायर करके रख देंगे। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख देंगे 9.1 × 10^-31 kg। ई चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10^-19 कूलम, उसका स्क्वायर करके रख देंगे। रखने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने से ये हमको मिलता है, देखिए, इट वुड कम्स 0.529 × 10^-8 सेंटीमीटर। कितना आता है ये? हाँ, ये नंबर आपको याद रखना है, क्योंकि आप इतना तमाशा नहीं पालना चाहोगे फॉर्मूले में, डायरेक्ट हम शॉर्टकट से चला करेंगे। तो ये नंबर किसकी जगह पे आ जाएगा? ये ए नॉट की जगह पे। सिर्फ हमको ये बस रखना पड़ेगा दो चीज़, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ये एटॉमिक नंबर है। जो एटम लेके आओगे जिसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर यहाँ लिख देंगे, समझ रहे हैं ना? तो ये छोटा हो जाएगा फॉर्मूला। तो समझ में आया? ये अभी सेंटीमीटर में है। सेंटी को क्या लिख सकते हो? 10^-2। सो 10^-2, 10^-8 कितना हो गया? -10। और -10 को क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम। इसलिए इसको डायरेक्ट अपन क्या लिख सकते हैं? 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम मतलब 10^-10 मीटर, वो इजिली अंडरस्टूडेबल है पहले से ही, समझ रहे हैं? अगर मैं इसको किसी दूसरे लैंग्वेज में आंसर देना चाहता हूँ, जैसे पिकोमीटर में लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा? देखो, ये डेसिमल अभी सपोज ये सेंटीमेंटी मिला के टोटल कितना हो गया है? 10^-10 -10 है ना। अगर मैं डेसिमल को 2 कदम और आगे ले जाऊँ, तो राइट डायरेक्शन में जब डेसिमल चलता है तो पावर माइनस होता है, 2 माइनस और हो जाएगा पावर में, तो कितना हो जाएगा? -12। तो -12 में इसी को हम क्या लिखेंगे? देखिए, 52.9 × 10^-12। -12 को क्या लिखते हैं? पीकोमीटर। ये हो गया पीकोमीटर, 52.9 पीकोमीटर, समझ रहे हो? नैनो में लिखना है तो क्या करेंगे? देखो, ये है 10^-10, दिख रहा है 10^-10। सेंटी को -2 लिखोगे, ये -8 है, मिला के कितना है? -10। अगर मैं इसको 1 कदम लेफ्ट की तरफ ले जाऊँ तो पावर क्या हो जाएगा? 1+। तो -10, 1+ क्या हो गया? -9। उसको क्या लिख लेंगे? नैनोमीटर। तो वो क्या बनेगा? 0.0529 नैनोमीटर। ये सब पहचान लीजिए, पीको में, नैनो में, एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम वाला याद रखो ना, ये 0.529, 529 बस, 0.529 याद रहेगा। ये कि मैंने आपको अलग अलग इसलिए लिखवा दिया कि आप कंफ्यूज ना रहें कैसे क्या बनता है, हो गया ये? अच्छा, अब देखो हमारा ये फार्मूला कैसा हो जाएगा रेडियस का। अगर मैं ये वाली वैल्यू पुट करता हूँ, ये वाली, दिस इज 0.529, तो बस ये एंगस्ट्रॉम में आ गया, डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में। और बचा क्या? एन स्क्वायर अपॉन जेड। और इसकी यूनिट किस में आएगी? अब
एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम मतलब 10^-10 लगा रहेगा उसमें, समझ रहे हैं। अगर यहाँ पर मैं ये लिख दूँ तो यूनिट किस में आ जाएगी, ये लिख रहा हूँ मैं 0.529 × 10^-8 यहाँ पे, तो यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर। अगर मैं ये लिख दूँ यहाँ 52.9 तो यूनिट क्या हो जाएगी, पिकोमीटर। ये वाला लिख दूँ नंबर तो यूनिट क्या हो जाएगी, नैनोमीटर। समझ में आता है पिक्चर, आया कि नहीं। अच्छा, अगर मैं हाइड्रोजन के लिए निकालूँ, फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड कितना होता है बताओ, 1, एटॉमिक नंबर 1, एक ही प्रोटॉन होता है ना, समझे ना। तो हाइड्रोजन एटम के लिए ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा रेडियस का, बस ये एंगस्ट्रॉम, दिस इज द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। बस आपको क्या करना है, पहले ऑर्बिट का रेडियस निकालना है, तो यहां क्या लिख दोगे, 1, तो यही आ जाएगा इतना एंगस्ट्रॉम। ये रेडियस है हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट का। हाइड्रोजन के दूसरे ऑर्बिट का रेडियस निकालना है, तो यहाँ क्या लिख दोगे, 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, दूसरे ऑर्बिट का रेडियस आ जाएगा हाइड्रोजन का, दूसरे एनर्जी लेवल का, समझ रहे हैं। तीसरे का निकालना है, तो यहाँ क्या रखना है, 3 का स्क्वायर 9, 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तीसरे ऑर्बिट का रेडियस आ जाएगा। समझ गए तरीका कि नहीं समझे, पक्का? हाँ, ये नोट कर लें आप। हीलियम के लिए निकालना है तो बताओ, तरीका समझ गए कि नहीं समझे। हीलियम भी कौन सा लेंगे हम, हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट लेंगे, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो हीलियम में भी हमको एक इलेक्ट्रॉन बनाना पड़ेगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या बन गया, Hg+ हो गया ना, हीलियम प्लस आयन, हीलियम आयन का आप कैसे निकालोगे, सेम तरीका रहेगा, पहले ऑर्बिट का निकालना है, दूसरे का निकालना है, जेड क्या रखोगे हीलियम के लिए, एटॉमिक नंबर कितना होता है हीलियम का, 2, तो यहाँ 2 रखोगे। अब पहले ऑर्बिट का निकालना है, दूसरे ऑर्बिट का निकालना है, यहाँ उसकी वैल्यू रख दोगे, एन की वैल्यू बन जाएगा। हो गया, ये रेडियस याद रहेगा जी ये पिक्चर, या नहीं रहेगा, ठीक। अगली चीज चलिए हम लोग निकालते हैं, एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट।